हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों था आप लोगों ने तो पार्ट वन दिखाई होगा, तो ये होगा पार्ट टू। पार्ट में हम लोग पीछे वाले जो इंडिकेटर है और आपका नंबर प्लेट का जो लाइट है उसको मैंने एक बार सेंस किया था लेकिन वो खराब हो गया, तो उसको भी लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सिग्नल लाइट को सेंस करने के लिए हमारा दिखने की एकदम ही जरूरत नहीं है, लेकिन आपका नंबर प्लेट का जो लाइट है वो डिक्की को खोलना ही पड़ेगा, तभी आपका नीचे में एक स्क्रू रहता है, उसको खोल के हम लोग लाइट को निकाल सकते हैं। तो अभी डिक्की को खोलने के लिए मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है, इधर में सारा आपका 3 mm का बोल्ट रहते हैं जिसको खोलने के बाद, और इधर में कपलिंग भी रहते हैं लाइट की OBD स्कैनर की। तो ये सब चीज को खोलने के बाद हमारा जो डिक्की जो है वो निकल जाएगा, और डिक्की को खोलने के बाद इधर पैनल है इसको भी खोलना पड़ेगा। तो पहले डिक्की को खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भी देख सकते हैं सीट को हम लोगों ने खोल लिया है। अभी ये वाला जो पैनल जो है वो 2 स्क्रू है, इसका 4 स्क्रू है टोटल, इधर में 2 है और नीचे में 2 है, तो उसको भी खोल लेंगे। और इसको खोलने के बाद बहुत सी चीज को खोलना पड़ेगा, पेट्रोल टैंक का जो कैप है उसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला ग्रैब ड्रिल जो है उसको भी खोलना पड़ेगा। तो एक एक करके पहले खोल लेते हैं, पहले ये वाला चीज जो है उसको खोलते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ भरेंगे। तो अभी देख सकते हैं ये वाला पैनल जो है उसको हम लोगों ने खोल लिया है। अभी ये 2 पैनल जो है उसको खोलना बाकी है, और इधर में 2 LN की बोल्ट है देख सकते हैं, तो उसको भी खोल के लेते हैं। तो जितने भी सारे स्क्रू और बोल्ट था उसको हम लोगों ने खोल दिया है, आप लोग तो देख ही चुके होंगे। तो अभी ये जो आपका केबल जो है उसको भी खोलना होगा, क्योंकि ये सीट के साथ अटैच रहते हैं, तो उसको भी खोल लेंगे। तो उसको ऐसे खोल लिया, का जो टैंक का जो कैप है उसको भी खोल दिया है देख सकते हैं। केबल जो अभी निकालने के लिए हो चुके हैं पूरे रेडी, तो उसको निकालते हैं। और कपलिंग भी है, कपलिंग भी खोलना है, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ बाहर। तो देखिए पूरा निकल गया है, तो अभी इसको थोड़ा सा साफ भी करेंगे। अभी देख सकते हैं सारा जो हम लोगों ने कवर था उसको हम लोगों ने खोल लिया है। अभी देख सकते हैं नीचे में हम लोगों का जो पीछे का जो कवर है वो हम लोगों ने पूरा खोल लिया है। तो अभी हम लोग सेंस करेंगे पहले सिग्नल लाइट, और सिग्नल लाइट को सेंस करने के लिए ये आप लोगों को खोलने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है, हम लोग नंबर प्लेट का जो लाइट है उसको सेंस करेंगे, तो इसके वजह से इसको खोला है, नहीं तो अदरवाइज आपका ये सेंस नहीं होगा। इधर में स्क्रू है नंबर प्लेट का, तो उसको खोलना पड़ेगा। तो पहले सिग्नल लाइट को सेंस करते हैं, और सिग्नल लाइट को सेंस करने के लिए इधर में एक आपका स्क्रू है, इसको पहले खोल लेंगे ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा मेरा गंदा है, क्योंकि मैंने इसे का मार्टगार्ड जो है उसको खोला था, तो अभी इसको खोल लेते हैं। अभी देखिए इतना ही निकलना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं निकलना, नहीं तो तार टूट जाएगा अंदर से। तो अभी इसके पीछे में एक स्क्रू रहते हैं, इसको भी खोल लेंगे। तो खोलने के बाद हमारा जो ग्लास जो है वो निकल जाएगा। इधर में देखिए ये वाला जो कवर जो है इधर में ऐसे लगा हुआ रहता है, तो उसको भी हम लोगों ने खोल लिया है। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया इसको सेंस करने के लिए ये खोलना नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ खोला है नंबर प्लेट को, नंबर प्लेट का जो लाइट है उसको सेंस करने के लिए। तो अभी इसको निकालते हैं और इनमें चेक करेंगे, तो उसको ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारा जो नया जो लाइट जो है मैंने जो आगे में लगाया था वो लगाएंगे। तो ये सेम लाइट है जो मैंने आगे में लगाया था, यही सेम लाइट है, तो इसको भी हम लोग इधर में ऐसे लगाएंगे। और ये भी व्हाइट ही है, तो सारा जो इंडिकेटर है वो हमारा व्हाइट हो जाएगा। तो ऐसे लगा दिया, एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। अभी इसको पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने से पहले एक बार आप लोग चेक कर लेना प्लस माइनस सही है कि नहीं, नहीं तो आपका नहीं चलेगा ये जो है। तो दोनों को हम लोग लगा के लेते हैं।
तो अभी देखिए नंबर प्लेट का दोनों जो लाइट है उसको हम लोगों ने सेंस कर दिया है, लगाने के बाद ही मैं आप लोग को लुक्स दिखाऊंगा। तो अभी मेन जो लाइट है जिसके लिए हम लोगों ने इतना सारा कवर को खोला है, तो वो है आपका नंबर प्लेट का लाइट, जो कि हम लोग डिस्को लाइट लगाने वाले हैं, मतलब बहुत उसमें कलर जलते हैं। तो अभी इसको लगाने के लिए ये वाला जो कवर जो है, ये कवर का दो स्क्रू जो है उसको खोलना पड़ेगा। तो दोनों को खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को हम लोगों ने खोल लिया है, उसके बाद इसको ऐसे उठाना है। देखिए थोड़ा सा टाइट रहते हैं। तो भी देख सकते हैं ये कवर को खोलने के बाद लाइट आपका सिर्फ लॉक ही रहते हैं, जैसे सिग्नल लाइट वगैरह रहते हैं, तो उसको ऐसे घुमा के ऐसे निकाल देने से काम हमारा। पहले हम लोगों ने LED ही लगवाया था, ऐसे तो स्टॉक LED नहीं आते हैं, इसमें बल्ब रहते हैं, तो उसको हम लोगों ने LED लगवाया था, लेकिन ये LED जो है ख़राब हो चुका है। तो अभी इसमें लगेगा ये वाला लाइट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला लाइट जो है ये इसमें लगेगा, और इसमें मल्टी कलर जलते हैं तो उसको लगाएंगे, और लुक्स भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसा आता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास है मल्टी कलर लाइट, तो उसको इधर में लगाएंगे नंबर प्लेट का होल में, जहाँ पर सॉकेट है नंबर प्लेट का उसमें लगाएंगे। और इधर में देख सकते हैं प्लस माइनस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ है क्योंकि मार्केट खुला हुआ है, आप लोगों को पता ही है। तो इधर में देख सकते हैं ऑरेंज और ग्रीन का एक स्ट्रेप्स है, ये आपका प्लस हो गया, और इधर में ब्लैक है ये माइनस हो गया, और इधर में भी लिखा हुआ है आपका कैमरा में शायद फोकस कर रहा होगा, इधर में प्लस है और इधर में माइनस है। तो प्लस को हम लोग लगाएंगे इस तरह, तभी आपका क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, प्लस माइनस का चिंता नहीं रहेगा। देख सकते हैं ये लग गया, तो अभी इसको थोड़ा सा साफ करके अंदर में लगा देते हैं, और उसके बाद सारा जो है उसको फिटिंग करते हैं, और बाद में आपको लुक्स कैसा आ रहा है वो दिखाएंगे। तो अभी इसको लगाते हैं। तो अभी देख सकते हैं पैनल को जस्ट ऐसे बिठा दिया है, क्योंकि एक बार चेक करना ज़रूरी है आपका प्लस माइनस जितना भी सही करूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल रहा है कि नहीं अभी। तो अभी देखिए फाइनल फिटिंग हम लोग करने वाले हैं, सारे जो कनेक्शन जो था लाइट का उसको हम लोगों ने लगा दिया है। तो लगाने के बाद एक बार आप लोग चेक कर लेना कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी जल्दी से इसको फिटिंग करते हैं आप लोग। तो अभी देख सकते हैं सारा जो काम जो है हो चुका है, हम लोग बारिश में पूरा फिर चुके हैं। तो अभी ये जो तीनों लाइट जो है उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, और ये जो है ये आपका पैटर्न चेंज होके रहते हैं, मतलब ऑफ ऑन करने से ये जो है अलग अलग जलते हैं। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। इतना बार ऑन ऑफ करूंगा उसको इतना बार ये सेंस होके रहते हैं, लेकिन बॉडी मूड है इसमें। वीडियो को यही पर एंड करते हैं। तो होप करता हूं को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका पार्ट वन जो मैंने अपलोड किया है वो नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो बाय बाय।